नाजरीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर हर मकतबा फिक्र के लोग हैं, सिविल सोसाइटी, शहरी पुलिस, डॉल्फिन, इसके अलावा जजेस, वकला, सियासतदान, ब्रोकरेज, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त योम यकजहती कश्मीर जो है वो जोश व जज्बे से मना रहे हैं। सीटीओ पुलिस ऑफिसर जो हैं, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लियाकत अली मलिक साहब हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, हर इवेंट पे वो नुमाया नजर आते हैं, आज इस बारे में क्या कहते हैं उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गर्मा गर्म माहौल है, ये एक जहती का माहौल है, जज्बे का माहौल है। इस वक्त लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बड़ा रंग जमा दिया आपने, ये कौन सा जज्बा है? खवातीन भी इकट्ठी हो गई हैं, आपके वार्डन्स भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। मैडम ये रंग नहीं है, ये असल में शहीदों का खून है, ये उनके खून की लाली है, जो कश्मीर में बहने वाला खून है, जो कश्मीर में बच्चों का खून हो रहा है, जो बेटियों का खून हो रहा है, जो भाइयों का और बच्चों का खून है, ये उस खून की लाली है कि हम इंशाल्लाह तमाम लोग, हाँ वो किसी भी महकमे से हैं, किसी भी तबका फिक्र से ताल्लक रखते हैं, किसी भी मज़हब और मसलक से ताल्लक रखते हैं, इंशाल्लाह हम लोग कश्मीर की आज़ादी तक जंग में रहेंगे। और हम कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के हैं, कश्मीरी हमारे हैं और पाकिस्तानी कश्मीरियों के हैं। और इंशाल्लाह हम तमाम लोग बिला तफरीक मजहब व मसलक, बिला तफरीक महकमा, बिला तफरीक जिंस, हम सारे कश्मीरियों की आज़ादी के लिए ये जंग लड़ते रहेंगे और आखिरी खून के कतरे तक लड़ते रहेंगे। अच्छा, खवातीन भी हैं यहाँ पर, खवातीन तो इस महकमे में ज्यादा नहीं आती हैं, लेकिन आज घरों से निकली है एक मकसद के लिए। जी देखें, मैंने जो पहले बात की है ना, हमारा ये, इनको हमने किसी ऑर्डर से नहीं बुलाया, ये वॉलंटियर लोग हैं सारे के सारे जो यहाँ पे खड़े हैं, और ये पैगाम देना चाहते हैं जो खवातीन यहाँ खड़ी हैं, जो ट्रैफिक जो असिस्टेंट्स हैं, फीमेल ट्रैफिक असिस्टेंट्स हैं, फीमेल ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो सीनियर ट्रैफिक वार्डन हमारी फीमेल यहाँ पे मैडम नाजिया बाकर हैं, ये तमाम लोग हैं, इसी तरह जो ट्रैफिक वार्डन्स मेल, ये सारे लोग हम कश्मीर की बेटियों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह आपकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान में एक भी शख्स जिंदा है हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए आपकी फीमेल वार्डन से बात कर लेती हूँ। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो भी थोड़ी सी हिम्मत करें, वो भी आगे बढ़ें, और ताकि हम भी उनके साथ ही हैं, मिलके एक आज़ादी की जंग लड़ते हैं, उनको भी हम आज़ाद करवाना चाहते हैं हम मिलके ये, तो मेरा यही पैगाम है कि सिर्फ वो भी थोड़ी सी हिम्मत करें और आगे बढ़ें। क्या पैगाम देंगी कश्मीरी खवातीन को? हम इंशाल्लाह कश्मीरी औरतों के साथ हैं और इंशाल्लाह तक एंड तक उनके साथ रहेंगे और कश्मीर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज़ाद होगा। इनकी हेड भी आ चुकी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आज आप कश्मीर का परचम थामे हुए यहाँ पे हमें आप मिली हैं, क्या वजह है? बेटा आज का जो दिन है वो मकबूजा कश्मीर के नाम है, हमारे पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, जवान कश्मीर के साथ है और इंशाल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे और हम किसी भी कुर्बानी से रेख लेंगे। तो ट्रैफिक का निज़ाम तो आज उल्टा हो गया है, इसको आप कैसा सीधा करेंगे? मैनेज कर रहे हैं, हर चौक में हमारे जवान जो हैं वो खड़े हैं और एसपी साहब भी जो विजिट कर रहे हैं, डीएसपी साहिबान भी हैं, और इंशाल्लाह कोई मकसद बड़ा है, मकसद बड़ा है, मकसद तो बहुत बड़ा है, मकसद तो बहुत बड़ा, और इस मकसद में हमने कामयाब होना है आप सबके साथ मिलकर। चले कुछ